हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सुशांत ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ हिंदी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, जो कि एकदम फिक्स है, यानी हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हर सेट में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा शांत रस। ठीक है, तो शांत रस की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होता है, पूरा देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शांत रस की परिभाषा। इसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है। ठीक है, यानी इसका अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद। निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण देख लेंगे, क्योंकि उदाहरण भी पूछता है साथ में ना, क्योंकि उदाहरण भी पूछता है साथ में। तो उदाहरण है हमारा, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो इस तरीके से जो है शांत रस की परिभाषा और उदाहरण है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है।